राग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादिमः। जो विद्यादि सागर सुदी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदकुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोज रोज एक एक बात पर विचार कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, उस विचार की प्रक्रिया के साथ साथ अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयोग या अभ्यास भी कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोगों ने पिछले दिनों विचार के साथ साथ अपने जीवन को अच्छा बनाने का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। जीवन अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का हमारे हाथ में है, जैसा हम बनाना चाहें, और बहुत कुछ हमारे विचारों पर निर्भर करता है, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जैसा हमारा दृष्टिकोण अपने जीवन के बारे में होगा, वैसा ही हम अपने जीवन को बना पाएंगे। यदि जीवन की वास्तविकता को हम जानते हैं, तो फिर हम अपनी उस जीवन की वास्तविकता को ही अपने जीवन का मूल लक्ष्य बना करके उस ओर आगे बढ़ेंगे। और यदि हमने अपने जीवन को ये मान के रखा है कि पांचों इंद्री और मन के विषयों में ये जीवन लगा रहे और मैं अपने इंद्रिय और भौतिक सुखों की पूर्ति ही करता रहूं, इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है, यदि मेरा ये एटीट्यूड है, मेरा यदि ये सोच है, तब तो फिर मैं अपने जीवन को जैसा वास्तविक जीवन है वैसा नहीं बना पाऊंगा। तो हमने स्वयं अपने हाथ से ये निर्णय लिया है कि नहीं, भौतिक सुख वास्तविक नहीं है, मुझे आत्म सुख पाना है, और जिसके जीवन में जितना ज्यादा आत्म सुख है वो उतना ज्यादा अच्छा जीवन है, जितनी निराकुलता जीवन में है उतना ही जीवन श्रेष्ठ है। और हम उस निराकुलता को पाने के लिए जैसा आचार्य भगवंतों ने हमें मार्ग प्रदर्शित किया है, उस मार्ग पर धीरे धीरे विचार भी कर रहे हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं। हमारे अपने विचारों को ठीक ठीक दिशा देने के लिए रोज रोज हम उन विचारों को दोहराएं, अपने विचारों को दृढ़ता देने के लिए भी ये प्रक्रिया बहुत ठीक है। कोई भी विचार जब तक लगातार ना हो और ठीक दिशा में ना हो, तब तक वो फलीभूत नहीं होता। जैसे कि हम किसी एक दिशा में थोड़ा सा चल के रुक जाएं, फिर दूसरी दिशा में चलें, फिर तीसरी दिशा में चलें, और विभिन्न दिशाओं में थोड़ा थोड़ा चल के ठहर जाएं, और ये सोचें कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, तो संभव नहीं है। इसलिए जरूरी है कि यदि हम अपने आचरण को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो एक विचारों की दिशा निश्चित करें और उस दिशा में रोज हम एक एक कदम आगे रखते चले जाएं। हमने सबसे पहले अपने विचारों में संसार की वास्तविकता जानने का प्रयत्न शुरू किया। हमने देखा कि जो जो चीजें कांटेक्ट में आती हैं हमारे, कौन सी चीजें कांटेक्ट में आती हैं, जो दिखाई पड़ रही हैं, वो चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की चीजें हैं, वो मेरे संपर्क में आती हैं, मैं देखता हूं कुछ दिन मेरे संपर्क में रहती हैं, मैं मान के चलता हूं कि ये हमेशा रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है,
वे अपना समय पूरा होने पर नष्ट होती देखी जाती हैं। ये वस्तु और व्यक्ति दोनों की क्षणभंगुरता मुझे इस बात का संदेश देती है कि मैं जो शाश्वत है उसकी खोज में निकलूं, इन चीजों के जो कि क्षणभंगुर हैं इन चीजों के पीछे अपना वक्त जाया न करूं। इस तरह मैंने अपने लिए एक निश्चित दिशा इन चीजों के बारे में दे दी। मैं सोचता हूं कि मेरे पास धन पैसा और समृद्धि होगी, मेरे पास पद प्रतिष्ठा होगी तो शायद मेरा जीवन बहुत आसानी से बीत जाएगा। मुझे यहां पर कोई सहारा देने वाला है, इस तरह का भाव भी हमारे मन में हमेशा बना रहता है। कहीं भी जाते हैं अपन तो एक ही चीज मन में आती है, यहां कोई अपना है या नहीं है। यहां कोई अपना होगा तो वो मुझे सहारा देगा। लेकिन जिनको हम अपना मानते हैं, जिनसे हम सहारा चाहते हैं, वे भी एक दिन अपना समय पूरा होने पर और हमें छोड़ करके चले जाते हैं। जहां जहां हमने शरण चाही है वह शरण भी बहुत एक सीमित समय और सीमित सीमा तक ही हमें पहुंचा पाती है, जिसको अपन कहते हैं कि कमला चलत न पैंड जाए मरघट तक परिवारा। इन सबको जिनको हम अपना सहयोगी मानते हैं वे भी, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, वे भी हमें बहुत दूर तक साथ नहीं दे पाते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो संसार है इसमें मैं हमेशा कोशिश करता हूं सुख पाने की, लेकिन मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि जिन जिन चीजों से मैं थोड़ी देर पहले तक सुख पाता था उन्हीं चीजों से फिर दुख मिलने लगता है। इसके मायने हैं कि यहां पर जो भी चीजें सुख देती जान पड़ती हैं वो सुखाभास है, वास्तव में तो इन चीजों से मुझे दुख ही मिलता है, संसार दुख रूप है। तो फिर क्या करूं, इस संसार में रहने का इंतजाम ना करूं, संसार दुख रूप है इसलिए उससे घृणा करूं और उसको छोड़ करके इधर से उधर भागा फिरूं, ये नहीं कह रहे। इस संसार में हम इस संसार को बढ़ाने का उपाय ना करें, राग देश मेरे संसार को बढ़ाते हैं इसलिए इस संसार से पार होने का मैं उपाय करूं। ये संसार मुझे सुख नहीं दे पाता है, जो सुख मिलता है संसार में वो भी दुख रूप ही है, सुख ना ही लगारा। यहां तो जरा सा भी सुख मुझे नहीं प्राप्त होता है। और फिर सबसे बड़ी चीज, यदि इस संसार में सुख होता तो फिर तीर्थंकर इसका त्याग क्यों करते हैं? ये बहुत बहुत विचार करने वाली चीज। जो हमसे ज्यादा समझदार हैं, जिनको हम हमसे अपने से ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, वे भी जब ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो फिर हम अपनी बुद्धिमानी ज्यादा क्यों लगाते हैं इस बात में कि इसमें से सुख मिलेगा, जबकि हमारा अनुभव है कि कभी भी पानी को बिलोने से उसमें से नवनीत नहीं निकलता, रेत को पेलने से कभी उसमें से तेल नहीं निकलता। ये हमारे अपने जीवन के ठीक ऐसे ही अनुभव है, ऐसे ही इस जीवन में भौतिक सुखों में से वास्तविक सुख नहीं निकलता। मुझे इसलिए अच्छा है कि मैं इस संसार की तासीर समझ के इस संसार से रहते हुए इस संसार में इससे ऊपर उठने का प्रयास करूं। ऐसा मैंने अब अपने विचार को एक दिशा दी है। और फिर मैंने देखा कि यहां जो भी सुख दुख हैं, मैं सोचता हूं कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे। शायद कौन चाहता है यहां पर कि मैं अकेला रहूं, सबको अकेलेपन से भय मालूम पड़ता है। लेकिन कितना भी मैं ये मान के चलूं कि लोग मेरे साथ हैं, कोई है जो कि मेरा है, या कि मैं कितना भी दीनहीन हो जाऊं यहां पर कि कोई मेरा नहीं है, ये दोनों चीजें ही मुझे स्वावलंबी नहीं बनने देती हैं, जबकि अपने सुख और दुख दोनों को मुझे अकेले ही भोगना पड़ता है। जब मैं अपने सुख दुख को भोगने के लिए एकाकी हूं तब फिर मैं अपने उस एकत्व स्वरूप का ही विचार क्यों ना करूं जो कि सबसे भिन्न है, मेरी देह भी मेरे से भिन्न है। ठीक है, और बाहरी चीजें मेरी नहीं है, पर मन को तो आता है कि देह तो मेरी है कम से कम। नहीं, देह भी मेरी व्यवहार से है, वास्तव में तो देह से भी मैं भिन्न हूं। प्रैक्टिकली देह मेरी है सो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली या रियली अगर देखें तो मैं देह से बिल्कुल पृथक हूं। इसका नेचर अलग है, मेरा अपना अलग है। जब दोनों अलग अलग हैं और दोनों मिले हुए भी मालूम पड़ रहे हैं, तो मिले होने पर भी अलग अलग हैं, तो क्यों ना फिर मैं अपने अलग अलग करने का ही या अलग अलग मान करके उसके साथ व्यवहार करूं। जब कोई चीज पराई होती है तो उससे हम कैसा व्यवहार करते हैं? जब देह मेरी नहीं है, मेरे से पृथक है, तो मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये मैसेज देती है अन्यत्व भावना, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
देह और देह के जितने भी संयोगी संबंध हैं वे सब मेरे से पृथक हैं, और कोई भी चीज अगर मेरे से पृथक हो तो उसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, पृथक जैसा ही, और उससे हम अलग हैं, इस तरह का अनुभव करते हुए अपने चेतना का विकास करें। ये यहां तक हमने अपनी इस विचार की प्रक्रिया को लाए थे। अब जब आप खुद ही कह रहे हैं कि ये शरीर मेरा ही है, तो फिर शरीर मेरा है तो मैं इसको अपने से पृथक भी मान ले रहा हूं, यहां तक भी ठीक है, लेकिन है तो मेरा, ये बात मन से जाती नहीं। तो मेरा है तो बहुत अच्छा है, मानो मेरा, तो फिर शरीर मेरा है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए या कि दुरुपयोग करना चाहिए। अब यहां बात आ गई, अगर शरीर मेरा है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरा है, तो फिर इसका सदुपयोग करना चाहिए या दुरुपयोग करना चाहिए, इसकी वास्तविकता समझना चाहिए या कि इसमें गाफिल होना चाहिए, ये डिसीजन हमें लेना है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारे हाथ में है ये डिसीजन लेना। ये शरीर मेरा है तो फिर मुझे इसका सदुपयोग करना चाहिए, ये शरीर की तासीर है कि ये हमेशा से अपावन है, तो फिर मुझे इसे सुंदर बनाने के उपाय में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और शरीर का अगर हम सदुपयोग नहीं करते हैं और इसका सिर्फ पोषण करते हैं तो ये मेरे साथ धोखा ही देता है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बड़ा। इसका मैं सदुपयोग करता हूं तो ये मेरा सहयोगी बनता है, और इसका यदि मैं पोषण करता हूं तब फिर ये मेरे साथ दुर्जनता करता है। दुर्जन वो है जो सज्जन के साथ भी बुरा व्यवहार करे, और सज्जन वो है जो दुर्जन के साथ भी भला व्यवहार करे। इतना ही है, शरीर दुर्जन के समान है, दुर्जन का पोषण करने से हमारा ही अहित होता है, और दुर्जन को अगर अपने काबू में रखा जाए तब फिर उससे हम लाभ भी ले सकते हैं। दोनों ही चीजें, शरीर अपावन है। शरीर को अपावन क्यों माना गया है, जरा सा देखें, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो कि पवित्र है। ये जो बाहर से दिखाई दे रहा है ये जरूर ऐसा लगता है कि साफ सुथरा है, लेकिन अगर घंटे भर भी इसका ध्यान न रखें तो घंटे भर बाद अपना ही शरीर, घंटे भर नहीं तो चलो 24 घंटे, 24 घंटे के बाद अपना ही शरीर बदबू देने लगता है, अपना ही शरीर अपने को अच्छा नहीं मालूम पड़ने लगता, नहलाओ धुलाओ जल्दी से, दूसरे का तो छोड़ो अपना ही। हालांकि अपने शरीर से अपने को कभी घृणा नहीं होती, कितना ही गंदा हो जाए फिर भी अपनी नाक अपने हाथ से निकाल लेंगे, हाथ में लगी रहती घृणा नहीं होगी बिल्कुल भी, और दूसरे की जरा सी लग जाए हाथ में तो हाथ धो और साबुन से धो। फिर इसके मायने हैं कि तासीर तो इसकी अपवित्र ही है, लेकिन मेरे अपने राग की वजह से मैं अपने शरीर को तो बढ़िया मानता हूं, और दूसरे के शरीर से जब राग होता है तो उसे भी अच्छा मानता हूं, और जब द्वेष होता है तो उसी से घृणा करने लगता हूं। अगर मैं इसकी वास्तविकता को पहचान लूं कि ये तो अपावन ही है, तब फिर न राग करने की आवश्यकता है न द्वेष करने की आवश्यकता। हाँ, दोनों स्थितियां बनेंगी। हमने अभी तक यही विचार किया है कि शरीर तो कैसा है, मलमूत्र भरा है, इसमें अपावन है, जितनी निंदा हो सकती है शरीर की उतनी करो और रचे पचे वही में रहो। हाँ, दोनों ही मजा है अपन के साथ, जितनी निंदा कर सकते हैं शरीर की उतनी निंदा करो, मगर सेवा शुश्रूषा भी दिन भर 24 घंटे उसी की करते रहो। ये दोहरा व्यवहार अपन के नेचर में आ गया है। देखें अपन गौर से, कोई ऐसा बुद्धू नहीं होगा जो शरीर की अपवित्रता को नहीं जानता हो, और कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं होगा जो कि इस अपवित्रता को जान करके और उससे विरक्त हो गया। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर्स शरीर के बारे में राय रत्ती जानते हैं, पूरा उन्हें भीतर क्या है ये सब जान लिया है, इसके बाद भी वे उससे विरक्त नहीं हो पाते हैं, बड़ा आश्चर्य। शरीर की वास्तविकता का बोध होने के बाद भी शरीर में आसक्ति बनी रहना, इसके मायने हैं कि शरीर की वास्तविकता का बोध नहीं हुआ है, बहुत सतही ज्ञान हुआ है, परिचय हुआ है, सिर्फ माथे में जानकारी भरी है, अभी वो अनुभव और आचरण में आई नहीं है। हम इस बात का हमेशा विचार करते हैं, जब भी पढ़ते हैं तब देह के बारे में पढ़ते हैं कि
वो आता ना उसमें, देह परस्ते होत अपावन निषदिन मल झारी, मंगत राय की बारह भावना में तो देह के बारे में मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह सारी है। और दुनिया भर की बातें जितनी हो सकती देह के बारे में वो सब पढ़ते, लेकिन जब नहलाते धुलाते हैं तब ध्यान नहीं आता कि देह पावन अथिर घिनावन या में सार ना कोई। लेकिन धुलाएंगे तो बहुत अच्छे से अपनी देह को, थोड़ी सी भी यहां पर नाक छपी रह जाएगी, पहुंचो पहुंचो धो। अरे घंटों घंटों हम देह के सौंदर्य में लगे रहते हैं, इससे मालूम पड़ता है कि देह के अपावन होने का हमें अभी कोई खास ज्ञान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देह अपावन है सो उसको नहराओ धुलाओ, नहीं नहीं तो आप कल के दिन और मुश्किल में डाल दो, फिर यहां बैठने ही मुश्किल हो जाए। सब नहा धो के आए हैं, नहा धो के आना चाहिए। क्यों नहा धो के आना चाहिए? क्योंकि इसका स्वभाव है ये अपावन है, बस इतना ही फर्क है। नहलाना धुलाना ऐसे रोज पड़ रहा है क्योंकि ये अपावन है। अगर इसको एक बार नहला धुलाने के बाद ये कभी भी गंदी नहीं होती तो मान लेते कि इसका स्वभाव पवित्र है, लेकिन इसको जितना ज्यादा साफ सुथरा रखते हैं उतनी ही ये गंदी होती चली जाती। इसके मायने हैं कि इसका स्वभाव ही ऐसा। ठीक है, तासीर मालूम पड़ गई। अब हमें इसके साथ क्या करना है? इसके साथ हमें इसका सदुपयोग करना है। शरीर का सौंदर्य ना बढ़ा करके अपने आत्मा का सौंदर्य बनाना है, क्योंकि मेरा ये प्रयास शरीर को सुंदर बनाने का मेरे द्वारा कई कई बार किया जा चुका है और मुझे सिर्फ असफलता मिली है इसमें, कभी कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन ये बात एकदम समझ में नहीं आएगी, एक छोटा सा उदाहरण लें तो शायद समझ में आए। देह का सदुपयोग करें और देह का सौंदर्य ना बढ़ा करके अगर चेतना का सौंदर्य बढ़ाना शुरू करें तो देह भी पवित्र हो जाती है। कैसे? देखो, भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, उनकी देह कैसी हो जाती? परम औदारिक, एकदम पवित्र। मुनि महाराज की देह को कोई अपवित्र मानता है? नहीं। अपवित्र मानते तो ढोक कैसे देते? पवित्र मानते हैं, सौ सौ बार प्रणाम करते हैं उस देह को ही। तो वो कहां दिख रही है? उसके भीतर की चेतना दिख रही है क्या? लेकिन वो देह भी रत्नत्रय भीतर होने की वजह से पवित्र हो गई। रत्नत्रय पवित्र थे, स्वभाव तो असुचौ काये। स्वभाव से जो शरीर अपवित्र है वो भीतर की गुणवत्ता की वजह से पूज्य हो गया है। मैं देह को इस तरह पवित्र बना सकता हूं, नहलाने धुलाने से ये पवित्र नहीं बनेंगे। मैं इसको स्वच्छ बनाने के लिए अपनी चेतना को स्वच्छ बनाऊं, जितना जितना मैं चेतना को स्वच्छ बनाऊंगा उतनी ये देह भी पवित्र होती चली जाएगी। देह की पवित्रता का उपाय न करके, उसकी अपवित्रता को जान करके चेतना की पवित्रता का उपाय किया जाए तो शायद ठीक ठीक हम इस भावना का चिंतन कर पा रहे हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। अकेले देह को अपावन जान करके उससे घृणा करना नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि देह अपावन है उसे पावन न बनाने का उपाय करते हुए, और हम वास्तव में अपनी चेतना को अगर पावन बनाएं तो देह अपने आप पावन होती चली जाएगी। देह का संसर्ग मुझे अपावन बनाता है, देखा जाए तो मेरी चेतना को देह का संसर्ग ही अपावन बनाने वाला, और कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे अपावन बनाती। सबसे ज्यादा जितनी देह में आसक्ति है उतनी बार मुझे बार बार देह मिलती है, और अगर इस देह में मैं आसक्ति ना रखूं, इसके संसर्ग से बचने का उपाय करूं तो शायद अपनी चेतना को पवित्र बना पाऊं। छोटा सा उदाहरण, एक उपगुप्त हुए हैं जो कि बौद्ध भिक्षु हो गए थे, बहुत सुंदर शरीर था उनका, और उस समय वैशाली में वासव दत्ता हुआ करती थी जो कि बहुत सुंदर थी। वासव दत्ता को बहुत लोग चाहते थे, लेकिन वासव दत्ता किसी को नहीं चाहती थी सिवाय उपगुप्त के। बड़ी अजीब सी कहानी है, जिसे दुनिया चाह रही है वो जिसको चाह रहा है वो उसको बिल्कुल नहीं चाह रहा है, बड़ा कंट्राडिक्शन है। उपगुप्त का कोई लगाव नहीं था, लेकिन सारा वैशाली वासव दत्ता के पीछे था कि वो मुझे मिल जाए। किसके पीछे था अगर देखा जाए तो? उसके शरीर के पीछे था, और उपगुप्त का ध्यान शरीर की तरफ था ही नहीं। उपगुप्त भिक्षु बन गए,
इतना सुंदर शरीर होने के बाद भी वे तपस्या करने लगे। वासव दत्ता ने निवेदन किया कि आप क्या कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर के अच्छी गृहस्थी बनाएं और फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन के बाद संन्यास धारण करेंगे, अभी क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं आप। उपगुप्त ने कहा कि मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, जब होगा तब मैं उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उपगुप्त ने यह आश्वासन दिया कि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। 10, 20, 25 वर्ष के बाद देह का सौंदर्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अब वासव दत्ता से ज्यादा घृणा किसी को भी किसी से नहीं है। सबसे ज्यादा घृणा करने वाले लोग हैं तो वासव दत्ता से घृणा करने वाले लोग हैं, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे सबने उसका उपयोग किया इसलिए धीरे धीरे नष्ट होने की तरफ है और एक दिन तिरस्कृत और शरीर से अपंग होकर के रास्ते के किनारे वासव दत्ता पड़ी हुई है। मैं इस घटना को जब पढ़ता हूं तो लगता है कि अगर वास्तव में हमें ये शरीर की वास्तविकता ऐसे मालूम पड़ जावे तो हम शायद बहुत आसानी से अपने चेतना को ऊंचा उठाने में लग जाएंगे वनस्पति की अपने शरीर की पवित्रता के लिए। पड़ा हुआ है वो ज्यों की त्यों है, वो चेतना अभी उसमें, लेकिन अब उसे कोई नहीं चाहता क्योंकि शरीर जर्जर हो गया है, रोग से ग्रस्त हो गया है, यहां तक कि उसे कुष्ठ हो जाने से सारे शरीर से बदबू आने लगी। रास्ते के किनारे पड़ी है, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है, कोई प्यार भरे सहानुभूति के दो शब्द देने वाला भी नहीं है। सब नाक बंद करके कल तक जिसके चारों तरफ चक्कर लगाते थे आज उससे दूर दूर भागते। और मालूम पड़ा उपगुप्त को, तो उपगुप्त सारा भिक्षुओं का समूह छोड़ करके चुपचाप आकर खड़े हो गए वासव दत्ता के पास। वो तो बेहोश थी, उसकी सेवा शुश्रूषा में लग गए। इतने गंदे शरीर को भी अपने हाथ से धीरे धीरे करके और उन रोगों को दूर करके एक हफ्ते के बाद जब उसकी आंख खुली तो सामने देखा कि उपगुप्त जिसे उसने पहले चाहा था आज उसके सामने खड़ा हुआ है। और उपगुप्त ने कहा कि तुम चाहती थी कि उस समय मैं तुम्हारे साथ रहूं, उस समय तो बहुत लोग तुम्हारा साथ देने वाले थे, मैं भी अगर उस समय तुम्हारा साथ देता तो आज न दे पाता, आज मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुम्हारी चेतना कीमती है, मुझे तुम्हारा शरीर कीमती नहीं है। आज अगर अपन देखें तो जितनी देहाशक्ति संसार में बढ़ रही है उससे मालूम पड़ता है कि हम इस भावना को भूल ही गए हैं कि शरीर अपवित्र है, उसे पवित्र बनाना हमारा भ्रम है। अगर हम चेतना को ऊंचा उठाएंगे तो वह शरीर भी पूज्य हो जाएगा, वरना वह शरीर भी पतित ही है और बल्कि हमें भी पतित ही करता रहता है। अच्छा ये बताओ, किसी का भी चेहरा कब सुंदर मालूम पड़ता है, कोई बता सकता है? क्या सौंदर्य प्रसादन की सामग्री लगाने पर चेहरा सुंदर लगता है, या कि चेहरे पर प्रसन्नता होने से चेहरा सुंदर लगता है? चेहरे पर भोलापन होने से चेहरा सुंदर लगता है या सौंदर्य प्रसादन की बहुत सारी चीजों से चेहरा सुंदर? भोलापन है वो, जो इनोसेंट नेचर है वो तो चेतना का है, वो जो सरलता और वो जो मृदुता है वो तो चेतना की है। जो चेहरे पर किसी का चेहरा कठोर हो तो सुंदर मालूम पड़ता नहीं भैया। हम देखें, अगर हम अपने शरीर को वाकई में सुंदर बनाना चाहते हैं तो अब हमें सौंदर्य प्रसादन की अपेक्षा अपने गुणों का विकास करके और अपने चेहरे को और अपने शरीर को सुंदर बनाना चाहिए। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं बाह्य साधन अपना पर करके इस अपवित्र शरीर को पवित्र बनाने के, लेकिन हमारा भ्रम अब टूट जाना चाहिए। सुबह शाम बैठ करके इस बात पर विचार करना होगा कि मेरे अपने 24 घंटे में से कितने घंटे हैं जो कि इस शरीर के सौंदर्य में मैं व्यर्थ खो देता हूं। मैं चाहूं तो इसे सुंदर बना सकता हूं क्षण भर में। मेरी अपनी प्रसन्नता, मेरी अपनी सरलता, मेरी अपनी मृदुता, मेरा अपना जप तप, मेरी अपनी सेवा की भावना इस शरीर को भी पवित्र बना सकती है। शरीर की पवित्रता शरीर के झुकने में है। जो शरीर जितना विनम्र है वो उतना ज्यादा सुंदर है।
विनयवान का शरीर भी सुंदर ही होता है। हाथ जोड़े हुए शरीर सुंदर मालूम पड़ता है, ऐसे मारती हुई मुद्रा में शरीर कभी सुंदर नहीं मालूम। संदेह शरीर का सौंदर्य पूरा गुणवत्ता पर टिका हुआ है। हम अपने गुणों को धीरे धीरे करके बढ़ाएं। शरीर मेरा है ये ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्जा नहीं ऐसा मानने में, प्रैक्टिकली एग्जैक्टली शरीर मेरा नहीं है ये हम पहले समझ चुके हैं, लेकिन मेरा है ऐसा थोड़ी देर को मान लो। ऐसा मानने से एक लाभ होगा कि मेरी अपनी चीजों का तो मुझे सदुपयोग करना चाहिए। कौन ऐसा होगा जो अपनी चीजों का दुरुपयोग करेगा? कोई नहीं करता अपनी चीजों का दुरुपयोग। दूसरे की कर सकते हैं, सरकार की कर सकते हैं, लेकिन अपनी चीज का तो सदुपयोग ही करेंगे। और जब शरीर मेरा है तो मुझे इसका सदुपयोग, और शरीर का सदुपयोग है उससे दान देना, उससे पूजन करना, उससे जप तप ध्यान करना, उससे दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना, यही शरीर का सदुपयोग है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? हम ऐसा शरीर का सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे कि लोगों ने अपने शरीर का सदुपयोग करके और अपने जीवन को भी सफल बनाया है। दान देने वाले कैसे कैसे लोग तो हुए हैं जिन्होंने कि अपने जीवन में सब कुछ दिया ही है, कभी भी किसी के लिए भी इनकार नहीं किया। हम दानवीर कर्ण का नाम लेते हैं, युधिष्ठिर का नाम लेते हैं, अपने आसपास भी अपन देखते हैं कि लोग किस तरह से और दान देकर के अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। शरीर और हाथ दान देने से ही सुंदर बनते हैं। सब कहते तो सब हैं, कोई नहीं, एक एक भजन पढ़ते हैं, एक उसमें आता है कि दान देने से हाथ पवित्र होते हैं, लेकिन कभी ऐसा करके देखा, अनुभव किया कभी, या कि सिर्फ वाणी में ही है? मैं इस प्रक्रिया को इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी अपने शरीर को पवित्र बनाने के लिए, अपने हाथों को पवित्र बनाने के लिए देखें तो हाथ में बहुत बढ़िया आभूषण पहनने से हाथ सुंदर नहीं लगता। हाथ तो सुंदर लगता है जब वो बेटे पर सहानुभूति से फेरा जाता है, जब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जब हाथ उठ जाता है तब वो हाथ सुंदर मालूम पड़ता, आभूषण से सुंदर नहीं होता। ऐसे हम अगर दान और सेवा के द्वारा अपने हाथों को और अपने शरीर को पवित्र बनाना चाहें, क्या लिखा है, काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोबे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय वो। ये तो शरीर ऐसा है कि अगर हम इससे पांचों इंद्रियों के विषयों का पोषण करते रहेंगे तो एक दिन जीर्ण शीर्ण होकर के नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि हम इसे तपस्या में लगा देवे, इसके द्वारा अपने आत्मा के कल्याण के लिए और कोई प्रक्रिया शुरू कर देवे, ठीक ऐसे ही जैसे कि काना पौड़ा समझते हैं, हाँ, जो कि चूसने में न स्वाद आता है उसमें, बल्कि दांत और खराब हो जाते, इतना कड़ा होता है, जड़ के पास होता है, और अगर उसी को निकाल करके और पीस बना करके छोटे छोटे टुकड़े करके और बो दिया जाए जमीन में, तो फिर उसमें से नए गन्ने निकलना शुरू होते हैं और खूब आनंद से खाया जा सकता उसको। ऐसे ये शरीर है, अगर इस शरीर को धर्म ध्यान की भूमि में बो देते हैं तब फिर हमें ये अनंत फल देता है, अर्थात हम शरीर से ही पार हो जाते हैं, हम फिर अपने उस परम विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं जो इसके भीतर है। इसमें रहते हुए भी वो गंदा नहीं हुआ, मजा ये है, लेकिन हम निरंतर अपने परिणामों से उसे गंदा बनाते रहते हैं। वो परिणाम हमारे सब देहाश्रित हैं। अगर देखा जाए, हम अगर इस देह से ममत्व कम करके और अपने आत्मा की तरफ दृष्टि देना शुरू करें, सुबह शाम से ही, ज्यादा देर नहीं, दिन भर नहीं कर पाए तो थोड़ी देर तो बैठे 5-10 मिनट कि मैंने कितनी तो सेवा कर ली इसको, और इसके बाद भी क्या हुआ, मैं अपने गुणों को बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या कि सिर्फ शरीर को ही साफ सुथरा बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इतना भी अगर अपन विचार करें, शरीर से घृणा नहीं करने के लिए उपदेश दिया जा रहा है, न शरीर से राग करने के लिए उपदेश दिया जा रहा है, उपदेश सिर्फ शरीर की वास्तविकता समझकर अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। जब जब भी अशुचि भावना अपने मन में आवे तो अपन तो क्या सोचते हैं, अशुचि भावना में देह अपवित्र है, बस इसकी भावना भाव कि देह अपवित्र है। नहीं, देह अपवित्र है ये मुझे बार बार ना मिले, हाँ, और मेरे अपनी चेतना की पवित्रता का हमेशा ध्यान मुझे बना रहे, ये अशुचि भावना है। वास्तव में अशुचि भावना के मायने ये नहीं है कि देह की अपवित्रता का विचार किया जाए, नहीं, देह तो अपवित्र है ही,
आत्मा की पवित्रता का विचार किया जाए और देह बार बार ना मिले इस बात का प्रयत्न किया जाए, और देह बार बार मिलती है देहाशक्ति की वजह से, तब फिर मैं शरीर से आशक्ति घटाऊं तो मुझे बार बार देह नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से इतनी ही बात आचार्य भगवंतों ने इस असुचि भावना से हमें इंगित की है। हम थोड़ा सा देखें कि आचार्य महाराज हमें क्या कहना चाह रहे हैं। मन सठी संघाये मुत्त पुरीश भरिय नवच्छिदे असुयम परिसवन्ते सुहम शरीरम मिकिम मत्थि। निष्पन्न है जड़मयी पल हड्डियों से पूरा भरा रुधिर मूत्र मलादिकों से दुर्गंध द्रव्य झरते नव द्वार द्वारा ऐसा शरीर फिर भी सुख दे तुम्हारा। क्या ऐसा शरीर हमें सुख दे सकता है जिसकी अपनी तासीर ही ऐसी है, उससे हम सुख की अपेक्षा क्यों रखें? हम तो चेतना को सुखी बनाने का प्रयास करें तो शायद ज्यादा ठीक होगा। हमारी दृष्टि उस तरफ जानी चाहिए। आचार्यों ने हमें उस तरफ दृष्टि देने के लिए ये विचार दिया है कि हम जो पावन है उसकी तरफ दृष्टि दें और जो अपावन है उसको पावन बनाने का व्यर्थ प्रयत्न करें। एक छोटा सा उदाहरण जिससे कि ये बात एकदम स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में जो आचार्यों ने कहा है वास्तविकता यही है। क्या हुआ था, एक बार बड़ी आर्ट गैलरी में, और बहुत आर्टिस्ट अपने अपने आर्ट लाए थे, चित्र लाए थे, और बहुत फेमस आर्ट गैलरी थी वो विदेश में, और बड़े बड़े आर्टिस्ट वहां पर अपने अपने आर्ट शो कर रहे थे। देखा गया उसमें कि एक माँ अपने बेटे को दूध पिला रही है, वो आर्ट बहुत फाइन है, और वो जिस कलाकार ने बनाया था वो कलाकार भी वहीं खड़ा है और नीलामी हो रही है उस चित्र की। बहुत सुंदर चित्र था और वो चित्र थोड़े मोड़े पैसों में नहीं बिका, $1,00,000 में बिका। बहुत होता है $1,00,000, मेरे ख्याल से डॉलर तो करीब 50 रुपए के बराबर का होता, 45-50 रुपए कीमत होगी, है ना, लगभग $1,00,000 का वो बिका। कहानी एकदम सच है, झूठी नहीं है, और वो चित्र जिसने खरीदा लोग उसके चारों तरफ उसको घेर के खड़े हैं कि एक झलक उस चित्र की दिखा दो, कितना प्यारा चित्र है, कितना बढ़िया बनाया है, और वो सबको चित्र दिखा रहा है और फिर अपने चित्र को लेकर के आर्ट गैलरी से बाहर निकलता है। अब लोगों की दृष्टि थोड़ी सी बाहर जाती है, वहां पर कतार लगी हुई है क्योंकि आर्ट गैलरी में बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत समृद्ध लोग आते हैं, तो वहां पर भिखारियों की भी लाइन लगी है बाहर कि निकलने वाले शायद उन्हें भी कुछ देंगे। और देखा गया लोग चकित हैं, एक बार उस चित्र को देखते हैं, एक बार उस मां को देखते हैं। एक मां अपने बेटे को गोद में लिए बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में, कपड़े भी जर्जर हो गए हैं, बेटा भूख से रो रहा है और भीख मांग रही है, और लोग चकित हैं कि ठीक वही दृश्य इसने बनाया है आर्टिस्ट ने। और मजा यह है कि चेतना वहां बिलख रही है लेकिन उसके बाह्य शरीर को $1,00,000 दे करके और परचेस किया गया है। हम सबके साथ भी यही घटित हो रहा है। ये उदाहरण इसी बात के लिए है कि चेतना तो निरंतर, चेतना की तरफ कोई ध्यान नहीं है, लेकिन चेतना जिस शरीर में है उस शरीर की सेवा शुश्रूषा में और उस शरीर के सौंदर्य में ही हमारा अधिक से अधिक समय चला जा रहा है। थोड़ा सुबह शाम बैठ करके और इस बात का विचार करें कि मैंने अपना ध्यान चेतना के विकास में कितना दिया और मैंने अपने शरीर में कितना अधिक अपने वक्त को व्यर्थ गमाया है। बस इतना ही अगर हमारे मन में आ जाए तो हमारे जीवन में अच्छाइयां आने में देर नहीं लगेगी, हमारा जीवन जरूर अच्छा बनेगा। इसी भावना